नमस्कार, हिंदी आचार्य की इतिहास की सीरीज में आप सबका स्वागत है। बच्चों बच्चों, आज से हम हिस्ट्री के बारे में जानना आरंभ करेंगे। तो एक्चुअली हिस्ट्री क्या है, यही हमारा सबसे पहला वीडियो है। तो बच्चों, हिस्ट्री या इतिहास, एक्चुअली तो जो अब देखो बच्चों, हिस्ट्री भी उस पीरियड को कहते हैं, जैसे कि अब हमने अपना इतिहास पढ़ना है, जैसे कि हम अगर पढ़ें कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसका इतिहास पढ़ेंगे, तो कहाँ से हमें पता चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके रिटन रिकॉर्ड्स होंगे, जो महान व्यक्ति शख्सियतें होंगी उन्होंने किताबें लिख रखी होंगी उस चीज से संबंधित, तो हम उन चीजों से रिलेट करके हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो यानी कि इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है, तो इतिहास तो दो तरह से जाना जाएगा। एक तो वह इतिहास जिसकी हम पुस्तकें अवेलेबल हैं, जिसका रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है, लिखा हुआ है मटेरियल, हम कई तरह के सोर्स मटेरियल से उस पर रिसर्च कर सकते हैं और इतिहास के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि अभी हमने भारत का आजादी आंदोलन का उदाहरण देखा। लेकिन जो जितना हमारा प्राचीन इतिहास है, मनुष्य का इतिहास या धरती का इतिहास जो है पूरा, हर समय का तो हमें रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता, हर समय का हमें लिखा हुआ इतिहास पुस्तकों में नहीं मिलता, क्योंकि मनुष्य ने लिखना जो है वो बहुत प्राचीन समय से नहीं आरंभ किया। तो बहुत सारा ऐसा इतिहास का समय है जिसका हमें रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, जिसकी लिखी हुई चीजें हमें अवेलेबल पुस्तकों में नहीं मिलती, इसीलिए उसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। और जब से हमें रिटन रिकॉर्ड मिलना आरंभ हो गया है उसे हम कहते हैं हिस्ट्री। तो लिखा हुआ मटेरियल नहीं रहेगा तो हम आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करेंगे उसके ऊपर, पुरातात्विक अन्वेषण होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने हिस्ट्री को भी दो तरह के, इतिहास को भी दो पीरियड्स में हमने बांटा हुआ है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री वाला जो पीरियड है। अब जो हिस्ट्री शब्द है, अगर शब्द की एटिमोलॉजी की बात करेंगे, तो हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया शब्द से बना है और हिस्टोरिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नॉलेज ऑफ द पास्ट, यानी कि पुराने समय के बारे में जानकारी या ज्ञान। अब एक कोट पढ़ते हैं जॉर्ज सेंटेना का कि दोज हु कैन नॉट रिमेम्बर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण कोट है ये। इन्होंने कहा है कि जो लोग इतिहास को नहीं याद रख सकते या जो कौमें इतिहास को याद नहीं रख सकती, उनकी यही गलती होती है कि वो फिर से उसको रिपीट करती हैं, कि इतिहास दोबारा से रिपीट होता है अगर हम इतिहास की गलतियों से हम कुछ ना सीखें। तो बहुत ही अच्छा कोट है ये। तो बच्चों, जो इतिहास के बारे में रिसर्च करते हैं, फोकस करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें इतिहासकार कहा जाता है या हिस्टोरियंस कहा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले इतिहास लिखना किसने आरंभ किया था? तो ऐसा माना जाता है, पाश्चात्य जगत में ऐसा माना जाता है कि जो इतिहास लिखना आरंभ किया था वो हेरोडोटस नाम के एक विद्वान थे, 5वीं शताब्दी BC में। यूनान के एक विद्वान थे, ग्रीक हिस्टोरियन थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अर्थ है 5th century BC का अर्थ है कि 2500 years ago, यानी कि 2500 साल पहले के समय की बात है कि हेरोडोटस नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने इतिहास लिखना आरंभ किया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे याद रखेंगे कि फादर ऑफ द हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, जो कि एक यूनानी विद्वान थे। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हमारी जो प्राचीन जो सांस्कृतिक विरासत है बच्चों, तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उसमें महाभारत और रामायण को, महाभारत और रामायण को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है, और बाकी जो ग्रंथ हैं वो धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि वेद, उपनिषद आदि। तो अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो अपना इतिहास तो हमारा रामायण सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाएगा और महाभारत सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाएगा। यह तो मतलब यह हमारा धार्मिक इतिहास के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर ऑफिशियली देखा जाए तो ऑफिशियली भारत में भी यही माना जाता है कि सबसे पहले यूनिवर्सिटीज में यही पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले जो इतिहास है वह हेरोडोटस ने ही लिखा था। तो ये जो हेरोडोटस है उन्होंने द हिस्ट्रीज लिखी हैं, यानी कि हिस्टोरियाई लिखी हैं यूनानी भाषा में। तो ये जो इन्होंने हिस्ट्री लिखी है ये एक्चुअली यूनानियों की और फारसियों की, यानी कि ईरान के लोग और यूनान के लोगों के बीच में जो
युद्ध हुए हैं उनके बारे में इन्होंने सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट किया है, पूरा अन्वेषण किया है। अन्वेषण के साथ साथ में इन्होंने हिस्ट्री लिखी है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इतिहास के लिए जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि अच्छी तरह से जो अन्वेषण किया जाना चाहिए, तो वह सबसे पहले हेरोडोटस ने किया। इसीलिए माना जाता है कि जो हेरोडोटस है उन्हीं को फादर ऑफ हिस्ट्री कहना माना जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको हिस्ट्री से संबंधित इंट्रोडक्टरी वीडियो ये अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिंदी आचार्य।